तो इस वीडियो में अब हम लेटर हेड बनाना सीखेंगे कोरल रो में। तो सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। तो न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल एन पे क्लिक करेंगे, या यहाँ से आप फाइल में जाके यहाँ से एन ये कर सकते हैं, या फिर ये जो यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है एन का, न्यू का, इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने न्यू पे क्लिक किया, ये अनटाइटल करके आता है न्यू, कोई भी खोलेंगे। तो अब इसको सेव करना है। सबसे पहले आपको जब नए आप कोरल रो या किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, आपको फाइल को सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, तब सेव करूँगा। तो मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, लेटर हेड करके डेस्कटॉप मैंने सेव कर लिया है। तो अब सेव करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका एक पेज ऐसे खुलेगा। इस पेज में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा साइज में पेज है। तो ये पहले देखो लेटर डिफ़ॉल्ट में आ रहा है। तो लेटर हेड जो है लेटर हेड लेटर साइज में या A4 साइज में, इन दोनों में से किसी साइज में हो सकता है या इसके आधे में भी हो सकता है। ये क्लाइंट के ऊपर निर्भर करता है किस साइज़ में लेटर हेड बनाना चाहता है। वैसे डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड होता है A4 में होता है, तो मैं आपको A4 में बना के ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखो A4 मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आपको आप देख सकते हो। इसमें A5 है, A6 है, A3 है, कस्टम भी है। तो बहुत सारे इसमें साइज बने बनाए साइज है, या अगर आपको साइज पता है तो आप यहाँ से बना भी सकते हो। तो अब मैं इसका दो यहाँ पे देखो यूनिट है कि किस आपका इंच इसमें किस में दिखेगा। तो मैं यहाँ से इंच कर लेता हूँ, क्योंकि इंच हमारा ज़्यादा फेमिलियर है, क्योंकि हमारे पास स्केल होता है, स्केल से इंच को हम देख सकते हो कितना हमें हाइट कितना विड्थ गैपिंग इसमें छोड़ना है। तो अब देखो इसके बाद करना ये है आपको कि हमने लेटर A4 का साइज ले लिया। अब इसके चारों तरफ एक लाइन चाहिए हमें सेंटर उंटर करने के लिए। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक आउटलाइन बन जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक बॉक्स बनाओ और A4 जितना इसका साइज होता है उतना साइज आप इसका करो। तो ये आपको ज़्यादा लेंदी है, ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स बन गया। देखो कलर करूँगा तो इसमें कलर भर जाएगा, तो मैं इसमें कलर नहीं भर रहा हूँ। इस बॉक्स को हम बाद में हटा लेंगे, अभी केवल अलाइनमेंट के लिए, अगर कोई बैकग्राउंड में कुछ डालना है तो उसके लिए हमने ये बॉक्स को लिया है। तो अब मैं इसके लिए लोगो ले लेता हूँ। तो लोगो जो मैंने अभी पीछे बनाया था इसी लोगो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हो सकता है आपको लोगो कंपनी न दे, बोल दे केवल नाम मैंने दे दिया आपको बनाना है। तो अब इसमें देखो आपको फॉन्ट साइज का और इंचेस से आपको विड्थ और हाइट का ध्यान रखना पड़ता है कि कितना में करेंगे तो कितना प्रिंट में आपका आएगा। तो जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना फॉन्ट कितने फॉन्ट का साइज जो है कितना बड़ा दिखेगा प्रिंट पे। वैसे आपको सिंपल बता दूं कि लेटर हेड बिजनेस का जो भी हाथ में हाथ का जो आइटम होता है, जो हाथ में आपको देखना होता है, इसकी साइज आप 6 से ऊपर ही रखें, 6, 7, 8, 9, 10 तो आपके सही रहेंगे। तो अब मैं इस पर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो ये मैंने टेक्स्ट टूल ले लिया, या A4 करके यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से देखो कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो अब मैं डाटा के लिए मैं पुराना डाटा यहाँ से यूज कर लेता हूँ। वहाँ से कंट्रोल सी किया, कंट्रोल यहाँ पे भी कर दिया। अब इस डाटा को हमें यहाँ पे रखना है। तब कितना अंदर कैसे कैसे रखना है अंदाजे पे हम रखेंगे तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता और चारों तरफ से बराबर अंदर नहीं आ पाएगा। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि इसको पहले एक और अंदर लाइन लेनी है, तो इस पर हम प्लस का सिंबल प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल सी भी करेंगे या कंट्रोल डी करेंगे, दो तीन तरीके मैंने आपको बताए थे। तो मैंने प्लस दबा दिया है, नोमेरी के साइड में जो प्लस होता है, तो ये डबल हो जाएगा। अब इसको मैं एक एक इंच अंदर कर रहा हूँ, तो मैं 8 है इसको 7 कर दिया, और जो ये 11 है इसको मैंने 10 कर दिया। तो आधा आधा इंच देखो साइड साइड से आ जाएगा, एक इंच कम किया तो चारों तरफ से आधा आधा इंच जो है ये गैपिंग आ गया यहाँ पे। तो अब ये लोगों को देखो मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा करके और इसको अलाइन करूँगा इस अंदर वाले बॉक्स से। तो टी किया, शॉर्टकट की दबाया टी, टी से टॉप में चला गया, एल करूँगा तो लेफ्ट में आ जाएगा। बाद में हम इस लाइन को हटा देंगे तो देखो ये ऐसे लेटर हेड हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रख रहा हूँ क्योंकि अलाइनमेंट हमें इससे करना है।
अब लेटर हेड में देखो नाम ज़्यादातर नहीं होता है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ इसमें होता है। तो ये सब लिखना है तो ये देखो हम राइट में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 8 नंबर फॉन्ट से हम बड़ा कर सकते हैं क्योंकि लेटर हेड थोड़ा डिस्टेंस से भी हमें देखना पड़ता है। बिजनेस कार्ड जो होता है, विजिटिंग कार्ड, वो हाथ में आता है, आँख के ज़्यादा करीब होता है, तो 7-8 भी रख सकते हो, लेकिन लेटर हेड में आप 10 कम से कम फॉन्ट रखेंगे तो सही रहेगा। 10 से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 10 तो होना ही चाहिए क्योंकि टेबल पे रखा रहता है। इसको मैंने वैसे ही अलाइनमेंट किया, टी और आर कर दिया, राइट से अलाइन हो गया। अब यहाँ पे एक हम लाइन डालेंगे जैसे हमने बिजनेस कार्ड में डाला था। मैं डिफ़ॉल्ट बना रहा हूँ, जैसे कि आपने लेटर हेड ज़्यादातर देखे होंगे तो वैसे ही मैं इसको बनाऊँगा। अब ये लाइन जो डाला, इसकी मोटा जो विड्थ है, जितनी ये वाली, जितनी ये लाइन की विड्थ है उतनी इसकी भी होनी चाहिए। तो इसकी विड्थ देखो क्या आ रही है यहाँ पे, 7.268। इसकी भी कर दो 7.268, ठीक है। अब इसको पहले क्लिक करके रखो, फिर इस बॉक्स को क्लिक करो और सी दबा दो, तो सी से ये सेंटर हो जाएगा। अब देखो अभी क्या है कि बहुत पतला है ये लाइन, हेयर लाइन में है, तो इसको हमें थोड़ी सी मोटी करनी है। कम से कम 1 पॉइंट आपकी हेयर लाइन होनी चाहिए, जो लाइन होनी चाहिए तभी आपका ये प्रिंट में सही से दिखेगा। तो ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया हूँ। अब देखो सुंदर लगने के लिए यहाँ पे हम एक पट्टी दे सकते हैं। इसके लिए देखो ये रेक्टेंगल वाला बॉक्स ले लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे थोड़ा सा बना दिया और इसमें कलर जो है मैंने ये वाला ब्लू डालूँगा। तो कलर पिक करने के लिए देखो कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो ये देखो आपका ये वाला जो सिंबल है आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ से ये कलर ले लिया है। तो मैं काफ़ी कुछ आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ और हो सकता है आपको इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको पूरा प्रोफेशनल तरीके से आप सीख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ज़्यादातर लेटर हेड में लिखा होता है कईयों में, ये आपके ऊपर है, क्लाइंट के ऊपर है, वो चाहता है कि नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश नंबर लिखा होता है और यहाँ पे लिखा होता है डेट, अगर वो चाहता है तो दे दो, नहीं चाहता है तो नहीं भी दे सकते हो। कई बार एक कंप्यूटराइज भी लोग देते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर से। अब देखो इसका फॉन्ट हमारा 10 कम से कम होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा भी लोग 11-12 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इसकी लाइन जो है मैं ऑरेंज कर सकता हूँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो लाइन का कलर ऑरेंज हो जाएगा। अब मैं देखो नीचे आ गया, अब मैं आउटलाइन हटा के इसको दिखाता हूँ। ये देखो इस तरीके से आपका लेटर हेड बन गया है, सिंपल सा। अब इसमें कुछ और कलाकारी करना है तो इसका जो आइकॉन है, आइकॉन यहाँ से ले लो और इसको सेंटर में डाल सकते हो। कई बार लोग डालते हैं फील लाने के लिए कि इसी कंपनी का है। अब इसको हम देखो इस ट्रांसपेरेंसी टूल का अब यहाँ पे यूज हो रहा है। अब ये पहले मैंने आपको बताया था कि इसका यूज होता रहता है, तो इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर एक स्लाइडर आ जाएगा। तो इस स्लाइडर से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हो या इसको डिजिट डायरेक्ट भी यहाँ से डाल सकते हो। तो इसमें देखो क्या है कि इसमें कुछ एरर है, तभी जो है ये डबल डबल इस पर कलर फैल रहा है। तो मैं इसको पहले बेल्ड कर दूँगा। देखो ये वाले पहले वाले पे क्लिक कर दो, ये बेल्ड हो जाएगा। अब देखो इस वाले से मैं नीचे वाले को काट दूँगा ऐसे, इसको पहले प्लस किया और इसको किया और यहाँ से ट्रिम कर दिया, माइनस कट गया ये, ठीक है। तो अब देखो ये इसके ऊपर हमने डिफ्यूज़ किया, अभी ये चढ़ नहीं रहा है। कैसे कैसे किया आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके आप देख सकते हो। तो इसकी हम ओपेसिटी को और कम करते हैं, 71 से और कम करते हैं, 85 कर देते हैं। मतलब ये 15% केवल अपना दिख रहा है, 85% हमने डिफ्यूज़ कर दिया। अब इसमें एक और काम कर सकते हैं, नीचे जो है कि नीचे से थोड़ा बैलेंस आ जाए, इसका कलर को हम इसमें ब्लू कलर भी डाल सकते हैं और एक ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। तो ये अपनी मर्जी है, ऐसा डालने से ये होता है कि देखने में लगता है कि थोड़ा अच्छा है, प्रोफेशनल है। देखो मैं आपको ऐसे जूम करके दिखाता हूँ, ये टॉप हो गया और नीचे बीच में ये हो गया और नीचे आपका ये हो गया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको लेटर हेड एग्जांपल नेट में मिल जाएंगे। अगर इस साइट पे आओगे
तो इस साइड पे आप देखोगे तो नीचे आओगे तो इसमें लेटर हेड का एक यहाँ पे बना हुआ टैब, इस पर क्लिक करोगे या फिर सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। देखो ये इसमें बहुत सारे लेटर हेड आपको मिल जाएंगे, तो कोई भी आप यहाँ से लेके इस पर R&D कर सकते हो या देख के बना सकते हो, या नेट में भी लिखोगे तो बहुत सारे लेटर हेड आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि कैसे आप लेटर हेड को बना सकते हो। तो इसमें क्या क्या टूल का यूज हुआ मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूँ। तो सबसे पहले आपको साइज लेना पड़ता है, साइज लेने के बाद आपको एक बॉक्स लेना पड़ता है अंदर में। अब देखो बॉक्स जो अंदर में लेंगे उससे क्या होता है, हम अलाइनमेंट करने में हमें इजी होता है कि किसका हमें, देखो जैसे हमने इसको भी थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं इस बॉक्स के साथ, कह रहे ना तो ये फ्लैश कट हो जाएगा। तो ये देखो अंदर वाली जो बॉक्स है हमने अभी रखा हुआ है, लेकिन इसको हमने आउटलाइन को नन किया हुआ है। देखो ये हमने केवल गाइडलाइन लेने के लिए रखा था, तो इससे क्या होगा कि आपको अलाइनमेंट करने में ईजी हो जाएगा। तो देखो इसके बाद हमने नीचे ये रख दिया, तो आपको और इसमें आपको अलाइनमेंट टूल का भी यूज होगा और टेक्स्ट टूल का और ट्रांसपेरेंसी का, दूसरा टूल का मैंने यूज़ किया, इससे आपको ये लेटर हेड बना के दिखाया है। तो इसको आप प्रैक्टिस करो, लोगो आप कोई भी ले सकते हो या सिंपल यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो। तो अब इस पार्ट में हम ब्रोशर बनाना सीखेंगे। तो ब्रोशर बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल एन किया, तो देखिए हमारे पास ये एक लेटर का पेज आ गया। तो लेटर को हमें A4 में कन्वर्ट करना है, तो A4 मैंने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि A4 में ज़्यादातर साइज़ में हमारा ब्रोशर बनता है जो स्टैंडर्ड साइज होता है। अब मैं इस पेज को घुमाना चाहता हूँ 90 डिग्री, क्योंकि इसे आड़े में आ जाए। देखो यहाँ पे दो आइकन दिखेगा आपको, एक ये एक पोर्ट्रे का और एक लैंडस्केप का। तो डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रे होता है, तो लैंडस्केप पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखो हमारा ये टेढ़े में हो गया, आड़े में हो गया, इसको आड़ा बोलते हैं वैसे हिंदी भाषा में। तो अब मैं इस पर एक बॉक्स लेना चाह रहा हूँ, तो एक तरीका ये है कि मैनुअली आप एक बॉक्स लो और इस साइज़ का बॉक्स बनाओ जितने साइज़ का यह पेज है। शॉर्टकट तरीका इसका ये है कि इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो ये पेज के साइज का एक बॉक्स बन जाएगा। अब हमें इस बॉक्स को तीन पार्टों में डिवाइड करना है। जैसे आपने, मैं आपको ये नेट में दिखाता हूँ, ये ब्रोशर आपने नेट में जैसे देखा होगा ट्राईफोल्ड ब्रोशर, इस तरीके से मैं इस पहले इसका साइज बना रहा हूँ। तो साइज बनाने के लिए अब इस बॉक्स को पहले मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, और तीनों साइज बराबर होना चाहिए इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो इस पर देखो यहाँ पर जैसे एरो लेके आएंगे तो कंट्रोल दबा के रखना है, होल्ड करना है और उसको राइट क्लिक को क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से फिर कंट्रोल R करेंगे तो सेम रिपीट हो जाएगा। दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको, पहले इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है इस पर आपको कंट्रोल प्रेस करना है, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये अपने आप रिपीट हो गया। फिर इसको अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल R कर लो फिर ये रिपीट हो जाएगा। फिर तीनों को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको एग्जैक्ट साइज़ बनाऊंगा जितना A4 का साइज होता है, तीन पार्टों में मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। तब ये 297 ये पूरा A4 का साइज है। अब इसको पी कर दिया, पी से पेज का सेंटर में आ जाएगा। जैसे कहीं भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको इसको सेंटर में लाना है तो पी दबा देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये तीन पार्टों में डिवाइड हो गया। अब इसमें एक काम और करना है कि जो इसका हमारा डाटा रहेगा बीच में, ये एक सेंटर में होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें मार्जिन होना चाहिए। तो इसको मार्जिन लेने के लिए आप इसको प्लस कर लो, मतलब एक कॉपी कर लो और इसमें यहाँ पे 5-5 mm का मार्जिन ले लो। तो 5-5 या 8-8 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है कि टेक्स्ट लिखने के लिए, तो 5-5 ही ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं। तो हम इसमें से 99 में से 12 माइनस करेंगे, तो 99 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो 89 हो गया, ठीक है, और 2 और कर दो तो 87 हो गया, ठीक है। फिर नीचे से भी 12 माइनस करना है, ये हो जाएगा 198, ठीक है। मैंने 12 माइनस करने मतलब 6 mm का ऊपर नीचे गैप हो गया। ये गैपिंग कम ज़्यादा भी हो सकती है, अपने अनुसार कोई रखता है, कोई ज़्यादा कोई कम। अब इसी को मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ इस तीनों पर, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से सेंटर में कर दिया, ठीक है। अब इसको लगाने का मकसद ये है कि हमें जो डाटा लिखना है इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। तो अब इसमें डाटा लाते हैं, डाटा के लिए मैं एक लोगो ले लेता हूँ कोई पुराना जो मैंने बनाया था पिछली वीडियो में, तो
तो लोगो लेके आ गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इससे पहले मैं इसको सेव कर लूँ, ब्रोशर मैंने लिख दिया और डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। तो अब हमारा क्या हो गया, एक तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है हमारा ब्रोशर का। अब इसके अंदर इसी का सेम कॉपी करके आप एक बैक के लिए भी रख सकते हो, जैसे बैक और देखो फ्रंट और बैक। तो हम पहले आउटसाइड क्रिएट करते हैं, तो ये हम लोगो जो है, आप यहाँ पे लोगो कोई भी रख सकते हो, मैं आपको सैंपल के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। अब इसको सेंटर करने के लिए इसी बॉक्स को पकड़ के आप सेंटर करना पड़ेगा। इसका और एक तरीका होता है कि इन जो बॉक्सेस है इसका एक कॉपी कर लो, कॉपी करके एक ऊपर यहाँ पे रख लो, ठीक है। कॉपी करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको ड्रैग करना है और राइट क्लिक करके छोड़ देना है, तो वहाँ से कॉपी हो जाता है। अब इसमें मैं डाटा भरना होता है। अब जैसे अब नेट में अगर आपको देखोगे तो बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट यहीं बना के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे गोला डाल दें ऐसे, मतलब यहाँ से कुछ इमेज यहाँ पे हम डाल लेंगे इस तरीके से, एक यहाँ पे इमेज डाल देंगे और यहाँ पे कुछ डाटा डाल देंगे और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। टी दबा के टेक्स्ट डमी टेक्स्ट कर दो, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। देखो बार बार इसमें आपको मेरे को ये कंट्रोल सॉरी एस टूल का यूज़ कर रहा हूँ, हैंड टूल का क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है, और जूम टूल का जिससे कि जूम कर रहा हूँ मैं। तो ये दो चीज़ों का आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा, और एफ जब भी कभी आपका इधर उधर कंट्रोल से बाहर जाए पेज तो F4 दबा दो, आपका ये बिल्कुल पेज सेंटर में आ जाएगा। तो ये आपको दबाना पड़ता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा कलर कर दूं तो शायद आपको सही से दिख जाएगा इसमें क्या क्या कहाँ पे डाटा है। मैं थोड़ा सा इस पर लाइट कलर इसमें डाल देता हूँ, सियान, ठीक है, 10%, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है अभी देखो यहाँ पे रख लिया और एक यहाँ पे रख लिया। अब इसमें कुछ मैं टेक्स्ट डालूँगा। अब टेक्स्ट डालने के लिए मैं आपको डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ नेट से, जो डमी टेक्स की बहुत सारी साइटें हैं, जैसे ये साइट ज़्यादातर फेमस है, आपने पता होगा आपको लोरियम इप्सम जो लिखा होता है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे ऐसे किया और इसको पेस्ट कर दिया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हो और इसमें कैसे कलर बोल्ड वोल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं दो इमेज डाल दूँगा तभी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कैसे किया, ये वाला पेस्ट, आपको टेक्स्ट फ्रेम लिया और इसमें पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर अगर सोचो कि बन गया तो सोचो आधा काम आपका हो गया, मतलब डिज़ाइन का पार्ट आपका रह गया। तो स्टार्टिंग में जो नए डिज़ाइनर को ज़्यादातर यही दिक्कत होती है कि ये स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया इस तरीके से। इस डाटा को हमें सेंटर करना है तो इसके सेंटर कर दिया, इसको उठा के इसके सेंटर कर दिया, ठीक है। अब इसका उठा के यहाँ पे डाटा हम थोड़ा सा मेन ले लिया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा कर लिया, इसको ऐसे कर लो। तो इस तरीके से अब डाटा को आपको यहाँ पे भर रहा है। अब अगर किसी को अब इस पर हम इसमें कुछ इमेज डाल देंगे तो ये थोड़ा सा भरा भरा सा अच्छा लगेगा। तो इमेज के लिए मैं आपको किसी साइड से लेके आता हूँ, वैसी कोई इमेज निकाल लेता हूँ, मैं फ्री ग्राफिक से निकाल लेता हूँ। इमेज आ जाता हूँ मैं यहाँ से ले लेता हूँ, नेचर इमेज, ठीक है। अब यहाँ से कुछ मैं फ्लावर का ही ले लिया, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको राइट क्लिक करेंगे, जैसे मैंने बताया था पावर क्लिक ये आ जाएगा, और इस बॉक्स में हमने क्लिक कर दिया। अब इस बॉक्स को भी एक पावर क्लिक के अंदर डालना है, तो पावर क्लिक को फिर पावर क्लिक हम कर रहे हैं। आपको देखो इसे पता चलेगा, इसको हमने इसके अंदर कर दिया,
ठीक है। अब ये देखो सिचुएशन पे नहीं आया तो उसको उठा के हमने यहाँ से इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से अब इसके अंदर जो हमारा इमेज है इसको एडजस्ट करना है तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसे। देखो मैंने इजीली पकड़ रहा हूँ, शायद आपको पकड़ने में शुरू शुरू में दिक्कत आएगा, तो आपको आल्ट पकड़ पकड़ के करना होता है। जैसे देखो पहले आल्ट दबाया तो ये पकड़ में आया, एक बार और क्लिक किया तो फिर अंदर का पकड़ में आ जाएगा। डबल क्लिक करना पड़ेगा दो बार इस तरीके से। इसमें कोई इमेज डाल देता हूँ मैं, अब इसमें मैं ये नेचर का इमेज डाल देता हूँ। ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, डाउनलोड भी कर सकते हैं, हाई क्वालिटी का इमेज आ जाएगा वहाँ से। इसको पेस्ट किया, अब इसको पावर क्लिक में इस बॉक्स में कर दिया, और फिर इस बॉक्स को फिर पावर क्लिक मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। अब हम इसको खिसका सकते हैं थोड़ा सा जितना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाटा है हमारा, यहाँ से मैं देखो डाटा को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, आपको देखने में थोड़ा सा अलग सा लगेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ से कट कर लिया, इसको देखो, इसको बार बार मैं कंट्रोल और स्पेस मार रहा हूँ तो आपको यहाँ पे आपको देख रहे होगे चेंज हो रहा होगा बार बार। मैं सब शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ जो कि पिछले वीडियो में आपको बता रखा हूँ। तो इसको उठाने के लिए देखो कई बार आपको उठेगा नहीं ऐसे, तो आपको प्रैक्टिस इसको ही करनी पड़ेगी। और ये जो मैं इसमें उठा रहा हूँ डाटा, अब यहाँ मैं एक डॉट लगाने के लिए देखो, फिर मैंने F6 प्लेस किया कि ये डब्बा आ जाए, मतलब स्क्वायर वाला जो बॉक्स होता है। फिर मैंने इसे यहाँ से कलर कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और इसको टॉप से अलाइनमेंट किया। देखो अलाइनमेंट का बटन फिर यहाँ से T दबाया था मैंने। अब इसको रिपीट किया और राइट क्लिक दबाऊंगा यहाँ से, तो ये यहाँ से डुप्लिकेट हो जाएगा और पहले वाला भी रहेगा इस तरीके से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका कॉन्टेक्टस, कॉन्टेक्टस, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट पेज होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं www.freegraphic.in और फ़ोन नंबर जो भी लिखना है, या नीचे इन्फो लिख दो, info@, ये आ जाएगा कॉपी, ठीक है। ऐसे देखो शॉर्टकट की मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बार बार, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देखो, या मैं आपको रिपीट कर दूँ कि जैसे मैंने ये देखो ये क्या था, लेफ्ट अलाइनमेंट था, यहाँ पे देखो फिर मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। अब देखो इसकी जितनी भी ये ऊपर का मैं हटा रहा हूँ, आपकी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब मैं इसकी आउटलाइन जो इसमें दिया हुआ है इसको मैं नन करूँगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये देखो नन कर दिया, और इसको मैं वाइट कर रहा हूँ तो आपको और क्लियर दिखेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो हमने कलर डाल रखा है इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको देखो जूम करके दिखाता हूँ। इस तरीके से ब्रोशर का एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इसको और कलरिंग करके और इसमें डाटा आप डाल के और इसको चमका सकते हो इस तरीके से। इसी को कॉपी करके और इसको नेक्स्ट पेज पे इसको हटा दो यहाँ से और पेस्ट कर दो, फिर इसमें से आप डाटा हटा दो और नया डाटा यहाँ पे डाल सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ब्रोशर जो है बना सकते हो कोरल ड्रॉ में। तो मैं इसमें शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कंक्लूजन कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स बनानी है, उसके बाद तीन पार्टों में डिवाइड करना है, फिर उसके बाद अंदर का एक बॉक्स बनाना है और फिर डाटा आपको पेस्ट करना है। तो इसमें टूल का जो यूज होगा आपका, ये रेक्टेंगल टूल, और आपका ये साइज यहाँ से लेना है, यहाँ से आपका यूनिट चेंज कर सकते हो,
और जो सेंटर अलाइनमेंट है यहाँ से आप टेक्स्ट की सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट जो भी है जैसे वर्ड में होता है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। और पावर क्लिक का मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरीके से आप ब्राउज़र बना सकते हो। तो मेन इसमें फंडा आपको पहले साइज़ क्रिएट करना है, फिर आप कॉपी पेस्ट जैसे भी आपको मूव करना है कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको इसमें बारीकी चीज़ है उसकी मैं डिटेलिंग जो बता दूं कि आपको कई बार इसकी पेन टूल से आपको कुछ लहरें टाइप की बनानी पड़ जाती है ब्राउज़र में, तो ये पेन टूल ले लो, फिर यहाँ से ऐसे और इसको आप यहाँ इस पर क्लिक कर दो, फिर इस तरीके से आप इसको घुमा सकते हो ऐसे। अब ये हमारा एक बॉक्स यहाँ पे कितने बाई कितने का था, 99 का था, तो इसको 99 हमें साइज़ लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने टॉप लेफ्ट से लगा दिया। अब इसको हमने यहाँ से ऑरेंज कलर कर दिया, ठीक है। और इसको हमने रिपीट किया और ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और इस तरीके से इसको फिर हमने यहाँ पे टॉप पे ऐसे घुमा दिया या इस पर लगाया नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये, मेरा मेन मकसद इसमें भी बताना है आपको कि कैसे कैसे आप ऑब्जेक्ट को इसमें यूज़ करते हो, कैसे कैसे आप टूल्स का यूज़ करोगे। अभी क्वालिटी, अभी इसमें मैं डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इससे बेटर बेटर डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो आशा करते हैं कि इस आपको ब्राउज़र बनाने के टेक्निक से आपको हेल्प मिलेगा। लेटर हेड हो गया, ब्राउज़र हो गया, अब आएँगे पोस्टर पर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पोस्टर बनाना सीखेंगे।